देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बाबा साहब की 171वीं जयंती पर समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया और दवाइयां भी ली। बता दें, स्वास्थ्य शिविर पर दूर दराज से आए लोगों ने भी अपना चेकअप कराया और इस मौके पर डॉक्टर इंद्रेश, डॉक्टर श्यामलाल, डॉक्टर विमलेंद्र कुमार मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 121वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा, जिसके संयोजक धर्मेंद्र नीरज जी हैं, उनके नेतृत्व में आज इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अपने इस गाँव में किया गया है। और एक सराहनीय काम है, समाज सेवा का एक जो पायदान है, गांव गरीब शोषित वंचित को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, उनके घर तक दरवाजे तक पहुँच कर सेवा समिति ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया है, जो अभिनंदनीय है। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुनीत दिवस पर इस प्रकार का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं देवरिया जनपद में विभिन्न स्थानों पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही दलितों की समस्या सुनकर उनका समाधान भी किया। खबर देवरिया से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जनपद के सभी थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और थानों पर आए SC ST ने भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाया और उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए वहां मौजूद लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के अनुसूचित जात के लोगों को और प्रबुद्ध जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, वो समाज सेवी हैं, वो महिलाएं पुरुष काफ़ी संख्या में लोगों को बुला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों और संविधान में उनके जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व झलकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो देश को एक इतना बृहद संविधान दिया है, इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। खबर कुशीनगर से है, जहां रोटरी क्लब के सदस्यों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही जरूरतमंदों को रोटरी क्लब गोरखपुर, मिड टाउन और नाइट फाउंडेशन ने राशन बैग बांटा। इस मौके पर रोटरी कुशीनगर के संरक्षक राकेश जायसवाल और अध्यक्ष डॉक्टर MH खान ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 65 सालों में राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया और छुआछूत सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रायबरेली में भी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर यहां हाथी पार्क स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर विभिन्न संगठन के लोगों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। इस दौरान यहाँ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। पूरे देश के अंदर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश में खुशी की लहर है और पूरा देश अंबेडकरमय है। और हम लोग आज यहां पर दोपहर में भंडारे का आयोजन करेंगे और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। विभिन्न संगठनों के लोग यहां पर एकत्रित होकर के बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तोरण द्वार बना के और बाबा साहब बैठा के
यहाँ जो भी जुलूस वगैरह आ रहा है बाबा साहब कार्यक्रम का, वो जलपान की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकी अम्बेडकर सेवा समिति द्वारा निर्धन 7 लड़कियों को शादी का कार्यक्रम दिया गया है, वह और भी वरिष्ठ लोग आके बाबा साहब के बारे में चर्चा करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सीतापुर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद एक एक करके सभी अधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीतापुर के अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी अनिल सिंह भी मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई का डंक अब लोगों को और परेशान करने लगा है। पेट्रोल डीजल सब्सिडियों के बाद अब यात्रा करना भी लोगों के लिए महंगा हो गया है। वहीं रोडवेज बसों के किराए में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी की गई है। बता दें, सभी बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसके बाद से अब कानपुर से लखनऊ का किराया 1 रुपये बढ़ा है, तो वहीं कानपुर से दिल्ली जाना अब 20 रुपये महंगा हो गया है। सर, इसकी जेब का असर सभी पे आएगा, क्योंकि ये दाम यहाँ बढ़े हैं तो ये पूरा आखिरी तक सभी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और दामों में वृद्धि हो ठीक है, लेकिन एक रेशियो में हो जिससे किसी को दिक्कत ना हो। वृद्धि उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि किसी के दाम अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। तो मैक्सिमम 10 रुपये है, वैरी करता है टोल के हिसाब से। कहीं पर जैसे लखनऊ सीतापुर जाएगा तो 2 ही रुपये का पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा टोल बढ़ेंगे उतना ज़्यादा किराया बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी बसों से सफर करना हुआ महंगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से जो किराए के दर है उसमें 1 रुपये से 7 रुपये बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ से दिल्ली के किरायों में 20 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो महंगाई बढ़ने की वजह बताई ये जा रही है कि पेट्रोल डीजल और साथ ही साथ जो टोल टैक्स के पैसे पड़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि आज से जो बसों की दरें बढ़ाई गई हैं वो आज से लागू की गई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। अजान को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर अलीगढ़ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन देकर लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया तो वो शहर के अलग अलग 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े एक शख्स ने अपने घर पर ही लाउड स्पीकर लगाकर 5 पहर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। दरअसल अजान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, जहां पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद से ये मामला बढ़ता गया। 5 पहर की कभी जरूरत ही नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि नहीं, लाउड स्पीकर का माध्यम से काफ़ी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटा लिया है। लेकिन ये हमारे मुस्लिम भाई आज भी उस अजान को लगातार 5 पहर कर रहे थे। हमारी धर्म, हमारी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया। हम लोग के पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन मस्जिदों पर जहां एक स्पीकर थे वहां से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज़ आवाज़ में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पर अब लाउड स्पीकर लगेंगे।
और तमाम शहर के व्यापारी जो है आगे आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम फ्री में मंदिरों में लाउड स्पीकर देंगे। नहीं, घर पे हम लोग ने लगाया है और आज जो है इस कॉलोनी में कम से कम 20 घरों में बजे, जो घर में छोटे डैक हैं उससे भी बजे। हमारा नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का या किसी का जवाब देने का हमारा वो नहीं कोई है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा धर्म भी चलता रहे और उनका धर्म भी चलता रहे, उनकी अजान पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोड़ा वॉल्यूम धीरे रखिए। अब जब हम लोगों ने तेज़ बजाया तो उनको समझ में आया कितना कष्ट होता है, तो उन लोगों ने भी अपना स्पीकर धीरे किया है। तो हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो बनी रहे, उनकी अजान भी चलती रहे और हमारा धर्म पाठ भी चलता रहे। मेरा नाम बलदेव चौधरी सिटू है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पूर्व प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी रही थी। अभी तक हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं चंदा लेने की। अगर प्रशासन इसको अनुमति देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में अगले कदम के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर प्रशासन को अनुमति नहीं देनी है तो ये भी देखना होगा कि कितने शहर में कितने ऐसे स्थान हैं जिन पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा, फिर नियमानुसार जो भी उसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। मांग क्या की है सर? लाउड स्पीकर लगाने और इस पर धार्मिक गीत बजाने के लिए, हनुमान चालीसा और अदर चीज़ें। कितने चौराहे बताए गए? 21 चौराहों का लिस्ट इन्होंने दिया है अभी हमारे पास। अभी फिलहाल अभी नहीं लगा सकते हैं, अभी तो पहले दिन संज्ञान में आया है। इसकी प्रक्रिया होगी, कहाँ से परमिशन होना है, किस तरह से होना है, वो हम लोग अब बात कर लेंगे डीएम और एसएसपी साहब से, मैडम से, सब लोगों से, फिर जैसा होगा। तो इन्होंने तो ये कहा कि आपके संज्ञान में लाना चाहते, परमिशन नहीं लेना चाहते, लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग तो अपने स्तर से, प्रशासन तो देखेगा उसको कि क्या करना है, तो हम लोग देख लेंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अधिकारियों की चाटुकारिता और छुट्टियां स्वीकृति कराने के नाम पर पैसे के लेन देन कराने वाले शिक्षक को सस्पेंड किया। बता दें कि अधिकारियों की जेब भारी करने वाली खबर को प्राथमिकता से प्राइम टीवी ने दिखाया था और प्राइम टीवी की खबर पर बीएसए अंजलि अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि प्राइम टीवी के प्रमुखता के आधार पर खबर दिखाने पर मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। खबर कानपुर से है, जहां स्मार्ट सिटी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और बड़ी नहर में कचरा डालकर नाला बना दिया है। बता दें सफाई के नाम पर अधिकारी केवल खाना पूर्ति और रोजमर्रा की निकलने वाली गंदगी नहर में डालते हैं, जिससे कि गंदगी काफी फैल रही है और नदी में काफी गंदगी जमा हो गई है। पनकी से निकलने वाली बड़ी नहर की स्थिति किसी गंदे नाले से कम नहीं है। कहने को तो कानपुर स्मार्ट सिटी है, पर केवल कागजों में। आप बताते चले जो कानपुर की जो रामगंगा नहर बनी हुई है, इस नहर को नहर का नाला ज्यादा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कूड़े का ऐसा ढेर लगा हुआ है, सफाई के नाम पर नगर निगम बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। आप बताते चले ये नहर का नाला ज्यादा समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कूड़े का ऐसा ढेर लगा हुआ है, आवारा जानवर दिन भर नहाते पीते हैं और सरकार के आदेश थे कि जो पेयजल की जो है शुद्धता व्यवस्था की जाएगी, ये कैसी व्यवस्था की जा रही है? क्या केवल सरकार अधिकारियों ने केवल कागज पे ही सब कुछ बना रखा है कि जो तस्वीरें हैं वो कुछ और व्यक्त कर रही हैं? कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। खबर कानपुर के बिठूर से है, जहां बाग से लुटेरों ने 15,000 के नींबू चोरी कर लिए। ये पहली बार है कि नींबू के बगीचों में रखवाली हो रही है। दरअसल नींबू की कीमत 10 रुपए का एक या फिर 250 रुपए किलो होती है, तो जिसकी वजह से लूट शुरू हो गई है। कई मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी रखे हैं और कई बगीचे मालिक ने रात में वही डेरा डाल लिया है। बता दें बगीचा मालिक अभिषेक निषाद ने बिठूर थाने में नींबू लूट की FIR लिखवाने के लिए तहरीर दी और ये पहली बार है जब नींबू की चोरी इतनी तेजी से हो रही है। बगीचे में चोर लगते हैं, इसके कारण देखना पड़ता है
महंगा नींबू अगर दर्जन दर्जन टोल ले गया कोई तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए तो टिकना पड़ता है और फसल है नहीं। कितने समय से अपनी बगीचे की रखवाली कर रहा हूँ, कब से? रातों दिन भैया यहीं खेते में रह, घर नहीं हम लोग जाते हैं। घर जाएंगे तो गांव के लोग तोड़ते देख लेते हैं तो कहते हैं चलो नींबू लाओ तोड़ के, तो इसीलिए हम लोग रातों दिन पहरा दे थे। नींबू की फसल मारी गई, कीड़ा लग गया तो नींबू की बहुत कमजोर है, जिस पेड़ में करता था एक बोरी उसमें निकल रहा 2 किलो 3 किलो, तो महंगा तो होना है। महाराजगंज में फर्जी मेडिकल स्टोर का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद में केवल 350 मेडिकल स्टोर ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो वहीं करीब 1200 मेडिकल स्टोर को फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। ये आरोप लगा है कि आलाधिकारियों के सहयोग से फर्जी मेडिकल स्टोर संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो वहीं औषधि निरीक्षक ने फर्जी दस्तावेज पर चल रहे मेडिकल स्टोर के निरस्तीकरण के आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां खाना बनाते वक्त बिजली के तारों में आग लग गई। भीषण आग में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि इस घटना में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को संवेदना जताते हुए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहां वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 12:45 बजे के आसपास आग लग गई और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और 2 लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे वहाँ पर, जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं उससे संभवतः जो फायर ने अभी तक जाँच की है उसमें खाना बनाने की वजह से वहाँ बिजली के तारों ने आग पकड़ ली। और आग पकड़ने की वजह से, क्योंकि साड़ियों का काम था, अंदर ही सिंथेटिक फोम और बाकी भी अन्य सामग्री सिंथेटिक रखी हुई थी, तुरंत ही वो 12 फुट बाई 10 फुट के कमरे में वो आग घिर गई और चारों लोग संभवतः उसी में फंस गए। उसके फंसने की वजह से उनकी तत्कालीन मृत्यु हुई। जब मोहल्ले वालों को पता लगा तो बहुत ही तत्परता का परिचय मोहल्ले वालों ने दिया। बगल में एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसी का पंप यूज़ करते हुए हाई प्रेशर जेट से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर आग बुझाई। वहाँ एक सिलेंडर था, उसको भी अलग किया और बड़ी घटना होने से बचाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।